क्या तुम मेरे साथ छुपम छुपाई खेलना चाहती हो? ये छुपम छुपाई तो मेरा फेवरेट है। रुक जाओ टीना, मुझे नहीं लगता कि हमें इस डरावने अंकल के साथ छुपम छुपाई खेलना चाहिए। इसकी वॉइस फ्रेंडली नहीं लगती। छोटी बच्ची हो क्या मिंकी? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम अभी तक रात में बेबी बॉटल से दूध पीती होगी। नहीं, मैं क्लास में दूध पीती हूँ। तो फिर साबित करो और मेरे साथ ये गेम खेलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ छुपम छुपाई खेलूंगी। अब चूज करो कि तुम दोनों में से कौन बनेगा हाइडर और कौन बनेगा सीकर। मैं हाइडर बनूंगी और छुपने जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी। सीकर, अब तुम्हें 30 का काउंटडाउन शुरू करना होगा। और हाइडर, तुम्हें जाकर किसी खुफिया जगह पर छुपना होगा। 30, 29, 28, 27, 3, 2, 1। छुपने वाले छुपे रहो, चोर तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास हाइडर को ढूंढने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स हैं। टीना, तुम कहाँ छुपी हो? अब हाइडर को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी है। मैं ढूंढ तो रही हूँ। टीना, तुम्हारा टाइम खत्म होता है। तुम इस गेम में हार चुकी हो। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है कंधे अंकल। टीना, अब तुम बाहर आ सकती हो, तुम जीत गई। टीना, तो तुम और तुम्हारी दोस्त टीना एक आदमी के साथ छुपम छुपाई खेल रहे थे, पर उसके बाद वो उस आदमी के साथ गायब हो गई। हाँ, और मैं उसे बार बार बोल रही थी कि वो जीत गई, पर फिर भी वो बाहर नहीं आई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। क्या तुम हमें ठीक से बता सकती हो कि वो आदमी दिखता कैसा था? मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैंने बस उसकी आवाज़ सुनी थी। क्या तुम्हें अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है? ओके, बस बहुत हुआ, आज रात के लिए इतने सवाल काफी है। मिंकी बेटा, चलो यहाँ से। मॉम, आप तो मुझ पर भरोसा करते हो ना? ऑफ कोर्स बेटा। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मेरा भरोसा नहीं किया, और ये बात उनकी आवाज़ से साफ पता चल रही थी। पर अब मेरे पास उनके सिवा और कोई नहीं था। टीना के जाने के बाद किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया कि उन्होंने भी कभी उस आवाज़ को सुना था। मैंने सुना है कि टीना को मिंकी ने ही मारा है, उसके बाद इसने टीना की बॉडी कहीं छुपा दिया ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। टीना मुझसे ज्यादा टॉल थी। ओके, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे अकेले उठा सकती हूँ? तो हो सकता है टीना को मारने में तुम्हारी मॉम का भी हाथ हो। आई एम रियली सॉरी मैम, पर हमारा स्कूल फुल हो चुका है और हम और नए स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे सकते। प्लीज, मेरी बेटी के स्कूल में सारे बच्चे इसे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए इसको स्कूल को चेंज करने की सख्त जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये स्कूल मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल के ट्रस्टी से बात करके देखता हूँ कि मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। हे, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, तो क्या ये सच है कि तुमने अपने पिछले स्कूल में किसी की जान ले ली थी? अपना मुंह बंद रखो रॉकी। अच्छा, तो तुम ही मेरा मुंह बंद कर दो। हे, उसे इग्नोर करो, उसे लगता है कि वो कूल है, पर असल में वो तो एक नंबर का गधा है। रिया की बच्ची, क्या तूने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? तू एक नंबर की छिपकली दिखती है, छिपकली। ओके बाय रॉकी। हाँ, छिपकली सी मुंह की। खैर, हाय, मैं हूँ रिया, तुम्हारी न्यू बिन बुलाई बेस्टी। मिंकी, मेरे बारे में इतनी सारी फैली हुई अफवाहें सुनने के बाद क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मेरी मॉम कहती है जब तक तुम गुनहगार साबित नहीं हो जाती तब तक तुम बेकसूर हो, इसलिए मेरा मदर मत करना और हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखाती हूँ। थैंक्स टू रिया, मेरा नया स्कूल मेरे पिछले स्कूल से काफी अच्छा था। फाइनली मुझे एक बार फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिला, और देखते देखते मैं यहाँ पहुँच गई जहाँ मुझ पर इल्जाम लगने बंद हो गए, क्योंकि अब हम एक साथ मिलकर इसका सामना करने वाले थे। थैंक्स अगेन स्वाति, मुझे अपनी पजामा पार्टी में बुलाने के लिए। ओह कम ऑन डार्लिंग, इसमें थैंक्स की क्या बात है? हे गाइस, क्या तुम सब मेरे साथ ट्रुथ एंड डेयर खेलना चाहोगे? कैसा रहेगा अगर उसकी बजाय तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो? तो क्या तुम लोगों ने भी वो सुना? हाँ, पर ये था क्या? गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए OCS बटन पर प्रेस मत करना। ये वही सेम वॉइस है जो 10 साल पहले मैंने और टीना ने सुनी थी, और वो टीना को ले गया था। वेट, मिंकी क्या ये सच है? आई थिंक हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अजीब बात है, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे फोन में भी। मैंने पूछा क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो या नहीं?
हाँ, यस पर किसने क्लिक किया? मैंने। मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर मेरे भाई का काम है। वो जरूर हम पर कोई प्रैंक करना चाहता है। और वैसे भी हम सारी रात करेंगे क्या, इससे अच्छा हम ये गेम ही खेल लें। स्वाति, मिंकी ने अभी अभी बोला कि उसने ये आवाज पहले भी सुनी है जब उसकी फ्रेंड टीना अचानक से गायब हो गई थी। ओह कम ऑन रिया, ये बात कितनी पुरानी है, ये 10 साल पहले की बात है। आई एम सॉरी मिंकी, अगर तुम्हें इससे तुम्हारे पास्ट की यादें तुम्हें परेशान कर रही हो तो, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये उन लड़कों का ही काम है। अब चूज करो कि तुम में से कौन बनेगा हाइडर और कौन बनेगा सीकर। ये मेरा घर है इसलिए मैं तुम सबको ढूंढूंगी। सीकर, अब तुम अपने 30 का काउंटडाउन शुरू करो। और हाइडर्स, अब तुम्हें जाकर किसी खुफिया जगह पर छिपना होगा। रिया, क्या हुआ? तुम आकर इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। क्या? बिल्कुल नहीं मिंकी, ऐसे तो वो हमें तुरंत ढूंढ लेगी। यही तो मैं चाहती हूँ, हमारे लिए यही बेटर होगा कि वो जितनी जल्दी हो सके मैं ढूंढ ले, ट्रस्ट मी। अच्छा ठीक है। छुपने वाले छुपे रहो, चोर तुम्हारे पास आ रहा है। हमारे पास सारी गर्ल्स को ढूंढने के लिए सिर्फ 90 सेकंड्स हैं। आखिर अभी तक हमें ढूंढ कैसे नहीं पाई? शायद मैंने उसे दूसरे रूम की तरफ पहले जाते हुए सुना था। हाँ बस बहुत हुआ, मैं खुद बाहर निकल रही हूँ। मैं पहले इस स्टूपिड गेम को नहीं खेलना चाहती थी। रिया, रिया मैं हिल नहीं पा रही हूँ, ये पर्दे मेरे पैरों से बंध गए हैं। हाँ, और अब ये निकल भी नहीं रहा है। हाँ, ये क्या, ये पर्दे तो मेरे पैरों से भी बंध गए हैं। मिंकी, मिंकी मैं भी हिल नहीं पा रही हूँ, ये तो और टाइट होता जा रहा है। कोई हमें बचाओ, मेरा फट रहा है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह माय गॉड, हम मौत को टक से छूकर वापस आए हैं। क्या हुआ गर्ल्स, तुम दोनों इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुम इस गेम में हार चुकी हो, तुम टाइम पर सबको नहीं ढूंढ पाई। तुमने किसको नहीं ढूंढा स्वाति? उन जुड़वा बहनों को, मेरा टाइम खत्म हो गया था। गाइस जल्दी से उन दोनों को ढूंढो, कम ऑन। ट्विंस, ट्विंस गेम ओवर हो चुका है, बाहर आ जाओ। तो तुम सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे और फिर तुम्हें महसूस हुआ कि वो पर्दे तुम्हारे पैरों से बंध रहे थे। सिर्फ हमारे पैरों से नहीं बल्कि हमारी पूरी बॉडी उन पर्दों में फंस गई थी। हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई चीज हमारा दम घोट रही हो। पर जब तुमने इन्हें ढूंढा तो तुमने इनके पास किसी को नहीं देखा है ना? नहीं, जब मैंने इनको ढूंढा तो मेरे पर्दों के पीछे बस यही दोनों थी। ठीक है, अभी के लिए हमें बस इतना ही पूछना था। अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी टीम हमारे ट्विन फ्रेंड्स को ढूंढ पाएगी? हमें उम्मीद तो यही है। मिंकी बेटा, ऐसी और रिपोर्ट्स आ रही है कि लोग उस हाइड एंड सीक गेम खेलने के बाद गायब हो रहे हैं। गवर्नमेंट सबको स्ट्रिक्टली उस गेम को खेलने से मना कर रही है, और ये भी कि अगर कोई भी उस भारी आवाज को सुनता है उनसे ये पूछते हुए कि क्या वो हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करें। फाइनली कम से कम पुलिस ने अब इस केस में एक्शन तो लिया। हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक्शन लेने में थोड़ा लेट हो गए। इस हफ्ते 20 बच्चे उस गेम को खेलने के बाद गायब हुए हैं। मिंकी बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इससे बचकर रहना। चिंता मत करिए मम्मी, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। आखिर तुम हमारा शहर को छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जब से तुम यहाँ आई हो तभी से लोग गायब होने लगे हैं। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था। रोहन, मुझे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं। तुम्हारे इस लॉजिक का कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है कोई सेंस नहीं बनता। पर तुम वो पहली इंसान हो जिसने पहली बार ये हाइड एंड सीक गेम खेला था। इसका तो यही मतलब बनता है ना कि ये गेम तुम्हें फॉलो कर रहा है। आज रात मुझे अपने घर पर रहने देने के लिए एक बार फिर से थैंक यू रिया। मेरी मॉम की आज फिर से नाइट शिफ्ट है और मुझे घर पर अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं मिंकी, चलो अंदर आ जाओ। क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो? ओह नो, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। हाँ मैं वही कर रही हूँ। व्हाट द हेल, मेरे फोन का नेटवर्क फिर से उड़ गया। मेरा भी, ये हमेशा इस गेम के टाइम ही क्यों होता है? तुम्हारे पास अपना जवाब देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स है, वरना ये गेम खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। आई गेस फिलहाल हमें जल्दी से नो पर क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। मैं इसे क्लिक कर रही हूँ पर ये काम नहीं कर रहा है। सेम। तुम्हारे पास अपना जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स है, वरना तुम्हें ये गेम खेलना ही पड़ेगा। मिंकी उस नो बटन को प्रेस करती रहो। मैं वही कर रही हूँ रिया। हाइड एंड सीक खेलने का वक्त आ गया है, अब चूज करो कि तुम दोनों में से कौन बनेगा हाइडर और कौन बनेगा सीकर। ओह नो, अब हमें ये गेम खेलनी ही होगी। तो फिर ठीक है, मैं हाइडर बनूंगी। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम मुझे ढूंढ लोगी मिंकी। ठीक है, मैं सीकर बनूंगी। मिंकी, तुम बनोगी हाइडर और रिया बनेगी सीकर। व्हाट द हेल, ये तो हमारी बात बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। मैंने कहा कि मैं हाइडर बनूंगी गधे कही के। छोड़ो कोई बात नहीं, मैं छुपती हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढ लोगी रिया। मैं जरूर ढूंढूंगी मिंकी, आई प्रॉमिस। छुपने का वक्त आ गया है। 30, 20, कम ऑन रिया। हाँ, ये मुझे कौन छू रहा है? रिया मुझे बचाओ। फाइनली हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। टीना, हम्म, वॉट द,
मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वैसे तो मैं लूजर्स को तुरंत जान से मार देती हूँ, पर तुम्हारे लिए इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, मैं तुम्हें मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछने की परमिशन देती हूँ। तो क्या अब तक इस गेम के पीछे तुम थी? नहीं, इस गेम को मेरे डैड ने बनाया था और इसके पीछे उनका मोटिव इस गेम को यूज करके बच्चों को किडनैप करने का था, ताकि वो उन्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रख सकें और उनके बदले लाखों रुपए कमा सकें और हमारे लिए एक आलीशान लाइफ बना सकें। जिस रात तुम मेरे घर आई थी और हमने पहली बार इस गेम को खेला था, वो इस गेम का टेस्ट राउंड था और हमारी अच्छी किस्मत से जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनका आइडिया काम कर गया, जिसकी वजह से हम अगले ही दिन एक दूसरी कंट्री जाने वाले थे और हमारा बिजनेस साथ में स्टार्ट करने वाले थे। पर मेरे डैड बीमार पड़ गए, उन्हें लंग कैंसर हो गया, जिसकी वजह से वो हद से ज्यादा खांसने लगे थे। पर हमें किसी की जरूरत थी जो हमारे लिए इन किडनैपिंग्स को अंजाम दे सके, जो कि बहुत रिस्की था। जिन भी लोगों को हम हायर करते थे, या तो उन्हें हमारे प्रॉफिट का बहुत ज्यादा हिस्सा चाहिए होता था, या तो पूरा का पूरा प्रॉफिट। बस फिर हमने अपना फैसला बदल लिया और उसके बाद मुझे इस गेम को संभालना पड़ा। मेरे डैड कुछ महीने पहले ही चल बसे। आई एम सो सॉरी टीना। डैड की डेथ के बाद मुझे पता था कि सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें जिंदा रख सकती है, अगर उनका ड्रीम बिजनेस जिंदा रहे तो। फिर मैंने खुद से इसे फिर से स्टार्ट कर दिया। मैंने जिम जाना भी शुरू कर दिया ताकि मैं थोड़े मसल्स बिल्ड कर पाऊं और मुझे उन बॉडीज को ठिकाने लगाने में आसानी रहे। और वही वक्त था जब मैंने तुम्हें एक बार फिर से देखा था। उस रात एक पजामा पार्टी में तुम अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश लग रही थी। मैं देख पा रही थी कि तुम तो मुझे एकदम भूल ही गई थी। मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं थी टीना। खैर, तुम्हारे 2 क्वेश्चंस अभी भी बाकी है। तुम्हारे डैड ये सब पैसों के लिए कर रहे थे, तो तुम लोगों को जान से क्यों मार रही हो? फिरौती के पैसों में बहुत झंझट है। तुम्हें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वो तुम्हारे बैंक अकाउंट्स को ट्रैक न कर पाए या पैसे देने आने के बाद अपने साथ पुलिस न लेकर आए। पर इस तरह से भले ही मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ, पर टू बी ऑनेस्ट, ये पैसों के बारे में है भी नहीं। मैं बस अपने डैड का सम्मान बढ़ा रही हूँ। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, जैसे कि लोगों के घर से नेटवर्क उड़ाना, वाईफाई कट करना, लोगों के घर के बाहर से ही उनके पर्दों को टाइट कर देना। वो बहुत ही डरावना था। मुझे पता है, नो मैटर तुम कहीं भी छुपो, हम हमेशा तुम्हें फंसाने के लिए तैयार होते थे। खैर, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या तुम्हें अपने बिजनेस में एक पार्टनर चाहिए? एक पार्टनर? हाँ, जैसे कि एक पार्टनर इन क्राइम, जो कि तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल साइड की देखरेख कर सके। फिर तुम्हें किसी की जान भी नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ स्काउट साइट्स तक पहुँचने में, पुलिस से डील करने में, लोगों से पैसों का लेन देन करने में, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं उन पैसों को तुम्हें दे दूंगी। और तुम ही सोचो, ये काम उससे अच्छा कौन कर सकता है जो तुम्हारे मिशन को अच्छे से समझता हो। मैं तुम्हारे डैड का सम्मान करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो इससे मेरे लिए चीजें काफी हद तक आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली, अगर हम दोनों साथ मिलकर इसे करेंगे तो हम एक साथ 2 घरों में ये गेम चला सकेंगे। तुम ठीक कह रही हो, चलो अब जल्दी से कार में बैठो। रुक जाओ, एक्चुअली अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मुझे कुछ जरूरी सामानों की जरूरत है, तो मैं उसे लेकर आती हूँ। जैसे कि क्या? जैसे कि मेरे कपड़े, टूथपेस्ट और भी कुछ चीजें, तो क्या प्लीज तुम मेरा हाथ खोल सकती हो? और मैं कैसे मान लूँ कि तुम वापस आओगी? वहाँ पर जो लड़की है उसने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है, मुझे अलर्ट भी मिल चुका है कि वो मुझे ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं। देखो, अगर हमें साथ में काम करना है तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। मुझे सच में कुछ जरूरी सामानों की जरूरत है। ठीक है, पर अगर तुम 30 सेकंड्स में यहाँ वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मिंकी, रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। आखिर तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे ट्रैकर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि पुलिस यहाँ से वापस जा चुकी है, वरना अब तक तो तुम्हारा काम तमाम हो चुका होता। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा तो था कि मुझे कुछ सामान लाने जाना है। खैर, अब चुपचाप चलो और जल्दी से कार में बैठो। अपने हाथ ऊपर करो और किसी के मुंह से एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मेरी जान से जाएगा। थी ये पुलिस वाला यहाँ कैसे आया? उन्हें वापस जाकर यहाँ पैदल चल के आना पड़ा ताकि तुम उन्हें अपने ट्रैकर में ट्रैक न कर सको। आई एम सॉरी टीना, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा था कि तुम मेरी दोस्त हो। गद्दार, बहुत हुआ, तुम्हारा खेल अब खत्म। हे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो मैं थी। आप मुझे, हे भगवान, ये सब कितना बुरा था। क्या तुम ठीक हो मिंकी? मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मेरे लिए ये सब प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल है। कम ऑन, यहाँ से बाहर निकलते हैं।